अमृत अमृत गिरेगा रात में। जय माता की। ओह माय गॉड, थैंक यू वीवो, इतने प्यारे हो ना आप वीवो। किधर आना वीवो? सेब के खिला रही है मुझे, है ना? यही तो है। अब मुझ पे ये सब खाया नहीं जाता, मतलब मम्मी लग रही है मम्मा। इसका आपके ये कौन है? मानती नहीं है, है ना? गुस्सा बहुत रहती है मुझसे, खफा रहती है, प्यास लगती है। अब वही अष्टमी का व्रत भी रखूंगी तुम्हारे लिए, कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, जिन्हें समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। क्या पूजन चल रहा है? शरद पूर्णिमा। क्या हो रहा है? सुन रही है। सुन रही है? सुन सुन। गोल 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 है। गोल गोल है? हाँ, गोल गोल सन। गोल गोल सन? हाँ। तो ये सन बना है? हाँ। तो शीनु क्या हो रहा है, कौन सी पूजा है बता दो। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। इसमें क्या होता है? चंद्रमा जी की। वेरी गुड, कर लो। आज अमृत बरसेगा, खीर बनेगी। अच्छा, जय माता की जय। जय माता की जय। सत्य। हल्की से सपोर्ट नीचे से रहती। कैसे? तो दोस्तों सही है। हाँ, खीर टंग रही है, इसमें से कुछ निकला है। किसमें? दुपट्टे में। गोले का वो है कुछ बुरादा। इसमें भी गिर गया? नहीं सर, इसमें नहीं गया, गया थोड़ा सा। अरे ठीक है। अमृत अमृत गिरेगा रात में। जय माता की। अच्छा, और सुबह खाएंगे हम प्रसाद के तौर पे। जय चंदा मामा। बिल्कुल एकदम सीध में आ रहे हैं वो। बहुत सारा अमृत देना हमें, बहुत सारा, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, मस्त रहें। अमर हो जाए। जय माता की। जय माता की। वेरी गुड दोस्तों, मैंने ना इस पे चलनी भी ढक दी है, ताकि कीड़े वगैरह उड़ रहे हैं तो इसके अंदर ना गिरे। हमेशा गुस्सा क्यों दिखाते रहते हो मुझे? डैडी को प्यार नहीं करते हो आप? अरे प्यार कर रहा हूँ। प्यार करने आ गए थी। इधर आओ। नाम तमाम किस उस करे डाल ले। मैं काट दूँ? कहाँ जा रही? कहीं नहीं, पूजा करूँगी। जा। मेरे पास हमारी वन सेल्फी है। क्या है? तो दोस्तों, मैंने अपना डाइटिंग वाला खाना खा लिया, पोहा बनाया था। अजीतेश और विमान के लिए आलू के पराठे बना के खिला दिए, और मैंने अपने लिए पोहा बनाया। पोहा सबसे बेस्ट है। खा लिया, उसके बाद दिखाया। सबको दिखाऊंगी भैया, आ गए ले। तो दोस्तों, आज मैंने ना ये काफ़ी पुरानी कुर्ती निकाली, ढीली हो रही है बहुत ज़्यादा, इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी अब मुझे। ओह माय गॉड, थैंक यू वीवो, इतने प्यारे हो ना आप वीवो। किधर आना वीवो? कैसी हो आप? ठीक हूँ। यहाँ पे भैया बैठे। यहाँ पे भैया बैठे। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं, तो करवा चौथ आने वाला है, और मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करी है करवा चौथ की, ऐसी कोई नीड नहीं लगी मुझे, क्योंकि साड़ी मेरे पास रखी हुई है बिल्कुल नई, जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, और आप लोग देखते ही हैं कि साड़ी मैं कितना कम पहनती हूँ। तो चूड़ी लेना तो बनता है शगुन का, और तो चूड़ी लेने जा रही हूँ मैं अभी।
और सिंगार का सामान, जो जो जरूरी सामान है वो तो लेना पड़ता है, तो सिंगार का सामान और चूड़ी मैं लेने जा रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाती हूँ कि कहाँ से चूड़ी खरीदेंगे और कैसी खरीदेंगे। कहाँ जा रहे हो? विमान भी जा रहे हैं मेरे साथ, विमान हर जगह जाते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों रात मैगी खाने गई थी विमान को लेके, विमान ने नहीं खाई तो बचा के ले आई है, उसके पकौड़े सेक के खिला रही है मुझे, है ना? यही तो है। अब मुझ पे ये सब खाया नहीं जाता, मतलब मेरे दिमाग में होता अरे मैं जिम कर रही हूँ, मेरी एक्सरसाइज वेस्ट चली जाएगी अगर मैं नहीं खा ली, दो तीन चम्मच खाया मैं नहीं खाऊ। वेरी नाइस, ऐसे ही तो चाहिए मुझे, अच्छे सब जिम के पैसे खराब चले जाएंगे। कभी कभी तो खा सकते हैं लेकिन 15 दिन में कभी कभी क्या दिन भर खाओ पड़ेंगे। बोलो कुछ, बोलो तो विमान। अरे कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये बताओ। मेहंदी। मेहंदी किस बात की मेहंदी लग रही है मम्मा? इसी का आपके। ये कौन है? मानसी। मानसी बुआ। मानसी बुआ, बुआ भी कह दिया करो बाबू। क्या होता है ये? लाओ दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करवा चौथ की मेहंदी लगवा ली मैंने, और मानसी आई थी पहले ही, मानसी से डील पक्की कर ली थी कि करवा चौथ पे मेहंदी लगवानी है तुमसे, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। मानसी तुम्हें प्रमोशन करवाना चाहिए था अच्छे से पहले से अपनी मेहंदी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, मुझे ऐसी अच्छी लगती है थोड़ी थोड़ी मेहंदी, ये यहाँ से तो नहीं लगवा पाती हूँ मैं। पिछली बार लगवाई थी यहाँ से, वो भी जिसने लगाई थी उससे मैंने बोला था कम कम लगाइए, उसने कहा नहीं भाभी यहाँ से लगवा लो, मैंने कहा ठीक है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। ये देखो इनके हाथ में लगी है मेहंदी, हम भैया कर रहे हैं इनकी सेवा। सगी में क्या मेहंदी लगी है ना तो नहीं, मेहंदी नहीं लगी है, वैसे भी भैया बहुत प्यार करते हैं भाभी श्री से। बात तो सही लेकिन ये थोड़ा मानती नहीं है, है ना? हाँ, गुस्सा बहुत रहती है मुझसे, खफा रहती है। अच्छा बस भाभी बस गुस्सा नहीं, कल व्रत है ना, कल तो प्यास लगे गरम गरम आलू, कल भैया का व्रत होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने रखा है इनके लिए व्रत, ऐसे पहले का व्रत अब रखा था कि अब तो जी गई बात खत्म, अब जीती रही है, कुछ नहीं रख लूंगा। चलो कल टेस्ट लेने आऊंगी मैं आपका। पानी पी रहा था चुपचाप बाहर जा जाके, सही कल पानी सही टंगी भंगी सब खाली। और मुझे इतनी प्यास लगती है प्यास लगती है। अब वही अष्टमी का व्रत भी रखूंगी तुम्हारे लिए, चिंता मत करो तुम। सही है, कितनी खुश हो रहे हैं, जिम जा रही हैं, समोसे खा रही हैं। अब मैं क्या करूं? आप जिम तो जाओगी नहीं अब करवा चौथ करके, अब मैं डाइट का तो कुछ अभी बना नहीं सकती, चार दिन में मैं फिर से वैसी हो जाऊंगी। कल वो पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगी ना तो फिर वो लेवल में आ जाएगा सब। एग्जैक्टली राइट, और रात में भी रॉकी का रायता खाऊंगी बस। रखो दूंगी अब, ठीक है खाना खाना। वीवो की तरह खिलाना पड़ रहा है, वीवो भी ऐसे जब तक वीवो के मुंह में रहता है उसको खा नहीं। कहाँ की तैयारी हो गई भाई? जिम जा रही होगी, किसी को खूबसूरती दिखाने जा रही होगी। दिखाने जा रही हूँ जितेश की वाइफ कितनी खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत है, लाली लिपस्टिक सब लग रही है। डॉक्टर ने बताओ अभी तक कुछ नहीं लगते हैं, जैसे आपके ऐसे मुरझाई हो जाएगी। मुरझाई हो जाएगी तो थोड़ा मेकअप शेकअप कर के आ देना। बीवो तो बंद कर। क्या रहा क्या? तो फिर नहीं आएगा? बीवो आ जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहती हूँ ब्लॉग के माध्यम से, पास में आके घूमिएगा कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, गिने चुने नहीं है,
जिनकी मुझे बहुत अच्छे से शक्लें याद हैं, नाम याद हैं, और हमेशा मतलब जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक मुझे याद रहेंगे, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं ना वो हमेशा याद रहते हैं, नो डाउट। और ऐसा नहीं है कि मैं या मैंने मतलब जीवन में पहली बार स्ट्रगल करा, मैंने इससे भी बुरा, इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त देखा था जब मतलब हमारी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे मायके की साइड पे। लेकिन वही है कि उस समय जो जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था उस बुरे वक्त में, तो वो आज भी हम लोग को याद हैं। और कोई मारने या ना मारे, लेकिन मेरी मम्मी उन लोग को बहुत मानती है जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया था। तो सेम चीज़ मेरे साथ है, जो इस समय मेरे साथ हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब किसी को नहीं बताते हैं, और हम भी उनका नाम भाई ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि होती है प्राइवेसी नाम की कोई चीज़। तो मैं हमेशा उनसे मतलब ऐसा नहीं है कि वक्त एक जैसा रहेगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पता है कि उन लोगों को कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद इतने स्टेबल हैं, लेकिन कभी भी इन फ्यूचर जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी होंगी और मैं उन लोग को कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे उस वक्त में साथ दिया है जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, मतलब ना मेरा परिवार, और मैं उम्मीद भी नहीं करती किसी से, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों से मैंने मदद मांगी, किसी भी तरह की मदद, जिन लोगों ने मेरी मदद की, मुझे समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, इसीलिए उन लोगों ने मेरी मदद की। तो जिन लोगों ने बुरा वक्त देखा होता है तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सामने वाले का बुरा वक्त जब वो बुरे वक्त के बारे में जब वो सुनते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ हमने भी ये टाइम पीरियड देखा था, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि ये कितनी दिक्कत में होंगे। तो मैं उन लोग का नाम तो ओपन नहीं करूँगी, लेकिन मैं हमेशा एहसान मानूंगी, और मुझे नहीं पता कि मैं उन लोग का एहसान कैसे चुकाऊंगी। तो बस मैं ब्लॉग के थ्रू ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी, चाहे उनका बुरा वक्त हो चाहे उनका अच्छा वक्त हो, लेकिन हमेशा मैं उनका साथ दूँगी हर चीज़ में। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी मदद करते हो। और जो ये बात किसके लिए मैं बोल रही हूँ वो ऑलरेडी सब समझ जाएंगे जो मेरे ब्लॉग देखेंगे, और कभी समय आया तो शुक्रिया भी कर देंगे अपने अंदाज में थोड़ा अलग तरीके से। थैंक यू।